Assalamualaikum class this is Altaf Ahmad Kolachi and I welcome to all of you in Altaf's online academy today we are again on the topic of error detection as uh, I have told you that error detection is a sort of a large huge types of uh, sentences therefore we will have to keep it up to practice it टू लर्न द न्यू टाइप्स ऑफ इरा डिटेक्शन एट्सेट्रा आज दोबारा हमारा जो टॉपिक है वो इरर डिटेक्शन है क्योंकि ऑलरेडी मैं ये चीज़ आपको पहले बता चुका हूँ कि एर डिटेक्शन के बहुत से टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं या बहुत सी टाइप्स की इरर या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनमें आपको वो इरर दे सकते हैं तो ये चीज़ हमारे साथ में आता आिस्ता चलती रहेगी अब हमारा ऐज सुन एज नो सुनर का इस टॉपिक कंप्लीट हो गया है आज हम रेड डिटेक्शन कर रहे हैं कल एस सोन एज़ के बाद जो सिलेबस में न्यू टॉपिक है वो कल स्टार्ट होगा तो मेरी कोशिश ये होगी कि एक दिन हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाएं, एक दिन हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। मतलब एक दिन रेड डिटेक्शन होगी एक दिन वो सिलेबस वाला टॉपिक होगा फिर एक दिन प्रीपोजिशन करेंगे यानी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, और फिर एक दिन वो टॉपिक होगा ठीक है तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ये लगती छोटी हैं ये लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ठीक है तो ये चीज़ हम इस तरीके से साइड बाय साइड ये भी काम करते रहेंगे इन अच्छा? तो आज इरर डिटेक्शन में ये है पाँच टाइप्स के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे हैं जिनमें इरर दी गई है तो यू विल हैव डिटेक्ट द एरर एंड यू हैव टू नो द करेक्शन ऑफ इट एज वेल अब आपने यहाँ पर एरर को डिटेक्ट करना है और एरर को डिटेक्ट आप तब ही कर सकते हैं जब आपको उसकी करेक्शन का सही पता हो ठीक है अच्छा तो अब पहला हमारा जो सेंटेंस है आज का वो क्या है पहला हमारा सेंटेंस है आज के आ, दे विल ज्वाइन यू इफ़ ही वुड से अच्छा अब इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं ठीक है तो ये जो है सेंटेंस ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस से बिलोंग करता है अच्छा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि जब दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हों तो फिर क्या होगा इफ़ वाला जो पार्ट है वो प्रेजेंट में रहेगा जो दूसरा पार्ट है वो फ्यूचर में रहेगा अच्छा ये चीज़ आपको कन्फ्यूज़ ना करे इसलिए मैं ये भी क्लियर कर दूँ एज़ सुन एज और नो सुनर में भी हमने यही रूल पढ़ा था कि जब फ्यूचर के बारे में दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस बात करेंगे तो फिर ये होगा कि जिस पार्ट में एज सुन एज लगा हुआ होगा या नो no सूनर लगा होगा वो पार्ट ऑफ सेंटेंस प्रेजेंट में होगा जो दूसरा पार्ट होगा वो किस में होगा वो फ्यूचर में होगा तो ये कंडीशनल में भी स्ट्रक्चर यही है एज सोन एज़ और नो no सूनर में भी जो है स्ट्रक्चर है वो यही है अब यहाँ पर फ़र्क क्या आ गया है कि यहाँ पर ये इफ वाला जो पार्ट है सेंटेंस का ये बाद में आ गया है और दूसरा पार्ट पहले आ गया है ठीक है अब इनमें क्या डिफरेंस होती है कि अगर ये इफ वाला पार्ट हम पहले रखें और ये वाला पार्ट हम बाद में रखें तो फिर होगा क्या कि इफ वाला पार्ट तो पहले आ जाएगा लेकिन ये जो हमने दूसरा पार्ट बाद में रखा है तो ये पार्ट तो पहले आ जाएगा लेकिन फिर जब पहला पार्ट ख़त्म होगा ना तो यहाँ फुल स्टॉप की जगह कॉमा आएगा फिर ये नेक्स्ट वाला आगे कंटिन्यू करेगा ठीक है लेकिन अगर हम इफ वाला पार्ट बाद में रखते हैं एज सुन एज में भी यही केस है कि अगर हम ये पार्ट बाद के लिए रखते हैं तो फिर कॉमा की जगह बस इफ़ आ जाएगा और आगे सेंटेंस कंटिन्यू हो जाएगा तो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे दे विल ज्वाइन यू इफ़ ही वुड से तो यहाँ पर ही वुड से नहीं है तो फर्स्ट कंडीशनल में हमने क्या पढ़ा है कि ये जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है ये फ्यूचर में रहेगा ठीक है ये फ्यूचर में रहेगा जिसमें ऐज सुन एज या इफ़ लगा होगा ये वाला जो पार्ट है ये किस में रहेगा ये प्रेजेंट सिंपल में रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल में हमने पढ़ा है ही वुड से नहीं होता प्रेजेंट में वुड तो इस्तेमाल होता ही नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा ही से भी नहीं होगा ही के साथ एस सी आई एस लगता है सब्जेक्ट के साथ तो यहाँ पर होगा ही सेज तो ये करेक्ट फॉर्मेशन है और ये गलत है ठीक हो गया अच्छा ये था हमारा आज का पहला सेंटेंस स्ट्रक्चर का टाइप और इसमें ये एरर थी अच्छा अब दूसरे की अगर हम बात करें दूसरे में आप देख सकते हैं देयर इज़ सम लाइट इन द क्लास वैन ही गॉट इन अब ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हमने लिखी हैं अगर आप गौर करें यहाँ पर देयर इज़ समाइट इन द्लास क्लास में कुछ रोशनी है वैन ही गॉट इन अब यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस पास्ट की बात कर रहा है जबकि ये प्रज़ेंट की बात कर रहा है तो ये तो गलत है मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि जब टीचर क्लास में आया तो क्या कहूँगा मैं तो उस वक्त क्लास में कुछ रोशनी थी या रोशनी है मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि जब टीचर क्लास में आया तो क्लास में रोशनी है क्या यह सेंटेंस सही लग रहा है आपको नहीं जब हम क्लास टीचर के आने के वक्त की बात कर रहे हैं तो यानी पास्ट की बात है तो रोशनी भी उस टाइम की हम बात करेंगे ना कि उस टाइम रोशनी थी या नहीं थी तो ये देयर वाज होगा क्योंकि ये पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब जो लगेगा वो प्रेजेंट का नहीं लगेगा पास्ट का लगेगा तो ये होगा देयर वाज नॉट इज इज़ रॉन्ग दे वाज समलाइट इन द क्लास वेन ही गॉट एन ठीक हो गया अच्छा उसके बाद अगर हम तीसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ें तो तीसरा सेंटेंस हमें क्या समझा आ रहा है तीसरे सेंटेंस में दिस इज सीक्रेट बिटवीन यू एंड आई अब यू एंड आई नहीं होता है ठीक है ना तो ये होगा यू एंड मी ठीक है क्योंकि इसका मतलब समझ लें माना समझ लें तो आपको समझा जाए जाएगा इसकी मीनिंग है देयर दिस इज सीक्रेट ये एक राज है बिटवीन यू एंड आई आय तो नहीं होगा यानी ये देखें बिटवीन यू ये भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है सब्जेक्टिव में नहीं है यू की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यू ही होती है तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज़ होगी दोनों में ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होगी तो यहाँ पर यू है तो यहाँ पर सब्जेक्टिव आय कैसे यूज़ हो सकती है नहीं होगी ये है आय आय की जगह क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी मी आय इस है, जो है मिस यूज़्ड हेयर गलत यूज़ किया गया है आय को अच्छा उसके बाद अगर हम चौथे सेंटेंस की बात करें तो चौथे सेंटेंस में क्या है चौथे सेंटेंस में अगर आप देखेंगे चौथे सेंटेंस में है कि आई वर्न देम फॉर मेकिंग अ नॉइस अब इस सेंटेंस का सेंस ही नहीं बन रहा अगर आप मीनिंग पढ़ें ना इसकी तो इसकी मीनिंग बन रही है कि मैंने उन्हें वर्न किया ज़्यादा शोर मचाने के लिए अब के लिए नहीं होता है यानी मैं वो ज़्यादा शोर मचा रहे थे मैंने इसलिए उन्हें वार्न किया कि ज़्यादा शोर मचाओ इसका मतलब यही बन रहा है अगर हम फार रखते हैं तो हम फिक्स्ड प्रीपोजिशन में एक चीज़ पढ़ के आएँ आप देखिए यहाँ पर फिक्स्ड प्रीपोजिशन एरर डिटेक्शन में आ रहे हैं और आएंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या है अब ये ये हमने पढ़ा हुआ है पहले प्रीपोजिशन में ये वार्न जो है ना वार्न के साथ फार नहीं लगता वार्न के साथ प्रीपोजिशन अगर इस्तेमाल किया जाए तो कौन सा लगता है अगेंस्ट आई warned देम अगेंस्ट मेकिंग अ नॉइस यानि वो शोर मचा रहे थे इसलिए इसके खिलाफ मैंने उन्हें वार्न किया कि यानी अगर तुम लोगों ने शोर मचाया तो कि तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई होगी या कोई काम किया जाएगा ठीक हो गया तुम्हारे लिए काम नहीं किया जाएगा तुम्हारे खिलाफ़ काम किया जाएगा तो यहाँ पर क्या काम है? वार्न के साथ क्या इस्तेमाल होता है अगेंस्ट अगेंस्ट जो है वो करेक्टली यूज़ किया गया है और वार्न के साथ जो फार है वो मिस किया गया है तो अगेंस्ट क्या है करेक्ट है और फॉर गलत इस्तेमाल किया गया है ठीक हो गया अच्छा आखिरी सेंटेंस और आखिरी सेंटेंस स्ट्रक्चर आज की समझें इफ़ यू इंसिस्ट टू डू सो शी विल डू इट अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी इफ़ वाला सेंटेंस पार्ट ऑफ सेंटेंस प्रेजेंट में है ये सेकंड पार्ट फ्यूचर में है वो सेम स्ट्रक्चर है ये अच्छा अब यहाँ पर आप एक बात समझें अब देखें यहाँ पर इफ़ बीच में था ना ये वाला पार्ट बीच में था तो ये हमने बीच में रखा आए इस्तेमाल हो गया ये सेंटेंसेस से। है अब यहाँ पर ये यह देखें इफ़ वाला पार्ट पहले है जब मैंने आपको बताया इफ़ वाला पार्ट पहले होगा तो जहाँ पर इफ वाला पार्ट ख़त्म होगा उसके बाद क्या आएगी कॉमा और आगे वाला पार्ट यहाँ पर एस इस्तेमाल हो गया आगे वाला पार्ट ऐसे कंटिन्यू करेंगे ठीक तो इसको ऐसे इस आप शी वाले पार्ट को अगर पहले रखें इफ़ को बाद में रखें तो शी वाला पहले रहेगा एस कैपिटल हो जाएगा और इस कामा की जगह इफ़ आ जाएगा आ इस्तेमाल हो जाएगा यानी फिर कंटिन्यू हो जाएगा सेंटेंस कामा नहीं आएगी एक तो ये चीज़ हो गई अब दूसरी इस सेंटेंस में जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है गलत है जो एरर है वो क्या है इस सेंटेंस में इरर ये है कि इफ़ यू इंसिस्ट टू डू नहीं होता इंसिस्ट का मतलब होता है अगर किसी चीज़ पर आप दबाव डाल रहे हैं जोर डाल रहे हैं या आप ज़्यादा कह रहे हैं कि ये करें या ना करें ठीक है तो इंसिस्ट के साथ जो वर्ब इस्तेमाल होता है वो अच्छा इंसिस्ट के साथ जो आगे प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो टू नहीं होता इंसिस्ट के साथ ऑन यूज़ होता है I insist you on doing it. I insist you to do it नहीं होता है ठीक है तो याद रख लें इंसिस्ट के साथ हमेशा preposition ऑन यूज होता है टू misuse यूज है टू इस्तेमाल नहीं होता ये होगा इंसिस्ट ऑन अच्छा अब याद रख लें जब ऑन होगा टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब होती है ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ जब ऑन होगा तो ऑन के बाद एक्शन वर्ब की ing फॉर्म इस्तेमाल होती है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती अब ये भी आपको वो गलती में दे सकते हैं एरर के तौर पर कि ये लिखें इफ़ यू इंसिस्ट ऑन डू सो डू नहीं होगा ऑन के बाद और फार के बाद ये याद रख लें आप यहाँ पर देखें फ़ार के बाद मेकिंग है ना लेकिन यहाँ पर तो फार मिस यूज़ किया गया अगेंस्ट के बाद ही मेकिंग ही यूज़ होगा लेकिन यहाँ पर जो है इंसिस्ट के बाद ऑन है ऑन के बाद इंग फॉर्म ऑफ वर्ब होगी जो भी हम वर्ब इधर डालेंगे तो फर्स्ट फॉर्म नहीं होगी ये होगा इंसिस्ट ऑन डूइंग सो शी विल डू इट अगर तुम दबाव डाल रहे हो ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हो मजबूर कर रहे हो या ज़्यादा फेवर कर रहे हो ये काम करने के लिए तो वो ये काम करेगी ठीक हो गया तो ये जो टू डू है ये गलत इस्तेमाल किया गया है टू डू गलत है और जो सही है ऑन डूइंग ये करेक्ट इस्तेमाल किया गया है ठीक है तो ये आज पांच टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स थी जिनको आपको समझाया और इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें ठीक है ना ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स होती हैं ये एक वर्ड ना समझा करें एक सेंटेंस ना समझा करें ये एक टाइप ऑफ सेंटेंस है टाइप ऑफ़ स्ट्रक्चर इस है इसको जितना हो सके ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकें थैंक यू वेरी मच आज के लेक्चर में इतना ही इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे थैंक यू वेरी मच